हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खिमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मींस पोषक तत्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उनमें से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इवेंटियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेड। लेड पीबी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। कुल 17 तत्वों को पौधों के लिए अनिवार्य माना गया है, मीन्स जो 17 एलिमेंट है उनको पौधों के लिए इजेंटियल माना गया है, और इन तत्वों को उनके परिणात्मक आवश्यकता के अनुसार निम्न दो वर्गों में रखा गया है, मीन्स उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनको दो टाइप में रखा गया है। फर्स्ट है दीर्घ पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ये वे एलिमेंट होते हैं जिनकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा सल्फर। सेकंड है सूक्ष्म पोषक या लघु पोषक तत्व, जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकिल तथा जिंक। अब इनको याद रखने के लिए ट्रिक है चोपकिंस का मैगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को याद रखने के लिए आप याद रखेंगे चोपकिंस का मैगी। इसकी मैं अलग से एक ट्रिकी वीडियो भी बना दूंगी, पर अभी आप ध्यान रखने के लिए देखो सी यानी कि कार्बन, एच यानी कि हाइड्रोजन, ओ चो पी, पी से चोप किन्स की एन और एस चोप किन्स का मीन्स कैल्शियम और मैगनीस मैग्नीशियम यानी कि एम जी। नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म पोषक या लघु पोषक तत्व। इसको याद रखने के लिए आप छोटी सी लाइन याद रखेंगे फैब मंडे मॉर्निंग क्यों नहीं जाना क्लास। जैसे पूछ लेते हैं ना नॉर्मली में फैब मंडे मॉर्निंग क्यों नहीं जाना क्लास, तो फैब से हो जाएगा एफ ई यानी कि आयरन, बी से बोरोन, फैब हो गया एफ ई बी, फैब मंडे से हो जाएगा एम एन यानी कि मैग्नीज, मॉर्निंग एम ओ यानी कि मोलिब्डेनम, क्यों नहीं जाना क्लास क्यू से हो जाएगा कॉपर, नी से हो जाएगा निकिल, जाने से हो जाएगा जिंक और क्लास से हो जाएगी क्लोरीन। तो ये भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट? अभी हमने ट्रिक के द्वारा याद किया था कि तो फैब था एफ ई आयरन, तो आयरन भी लिखा होता है कहीं पे, एफ ई कंपलसरी नहीं है कि एफ ई आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि एफ ई बोलते हैं आयरन को, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? यहाँ पर दिया हुआ है लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, तो इसका भी आंसर होगा ए, आयरन मीन्स लोहा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होता है? विच क्रॉप इज मोस्ट रिच इन प्रोटीन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दालें, पल्सिस, अर्थात दालें। वनस्पति जगत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत है मटर, अरहर, चना, मूंग, मसूर इत्यादि से दाल प्राप्त होती है। दाल में कुल वजन का लगभग 25% प्रोटीन होता है, जो कि गेहूँ के मुकाबले दोगुना तथा चावल के मुकाबले तिगुना होता है। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होने के कारण अन्य फलीदार पौधों यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट की तरह ये भी फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल शुगर ट्रांसलोकेशन प्लांट्स? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इसका आंसर होगा सी, बोरोन। बोरोन पौधों द्वारा बोरेट या टेट्राबोरेट के रूप में अवशोषित किया जाता है। यह पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में सहायक होता है और यह कोष के विभेदन तथा विकास को नियंत्रित करता है। यह दलहनी पौधों लेग्यूमिनस प्लांट में मूल ग्रंथिकाओं रूट नूडल्स के बनने के लिए भी आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजिनेज? तो इसका आंसर होगा बी, एम ओ, मोल्डिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन? लोहे की कमी से पत्ती में होता है, तो इसका आंसर होगा डी, इंटरवेनल क्लोरोसिस अपियरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स। पहले नई पत्तियों में अंतर सीरीय हरिमहीनता होना, लोहा यानी कि आयरन एफ ई के रूप में अवशोषित होता है। एफ ई प्लस प्लस क्लोरोफिल का घटक नहीं है, परंतु क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से नई पत्तियों में तीव्रता से अंतर सीरीय हरिमहीनता इंटरवेनल क्लोरोसिस उत्पन्न होती है।
और क्लोरोसिस की प्रक्रिया मृदा में लोहा के अतिरिक्त मैग्नीशियम या जिंक जैसे खनिज पदार्थों की कमी से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोसिस की प्रक्रिया प्रदर्शित होती है, क्लोरोसिस यूजुअली अकर्स, तो इनका आंसर हो जाएगा डी, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम, लोहे तथा मैग्नीशियम तत्व के अभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसका आंसर होगा ए, मोलिब्डेनम MO, मोलिब्डेनम आयन नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में मुख्य भूमिका निभाता है और यह तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम का भी महत्वपूर्ण घटक होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 11, ताजे जल परितंत्र में शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमाकारी कारक है, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जल। वाटर ताजे जल परितंत्र में जल की सतह पर शैवालों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा कारक यानी कि लिमिटिंग फैक्टर जल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पलवार बिछाना सहायक होते हैं, ब्लीचिंग हेल्प्स इन, तो इसका आंसर होगा ए, मृदा की उर्वरता में, सोइल फर्टिलिटी। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री जैसे तिनके, पत्तियां, घास, प्लास्टिक की पतली चादर आदि को पलवार या मल्च बोलते हैं और यह जरूरी नहीं कि पलवार कोई जैविक चीज ही हो, पलवार स्थाई भी हो सकती है जैसे बार्क चिप या अस्थाई भी होती है जैसे कि प्लास्टिक की पतली चादरें आदि। पलवार बिछाने के कई फायदे हैं जैसे कि भूमि की उर्वरा व स्वास्थ्य की वृद्धि, खरपतवारों की वृद्धि को रोकना, भूमि की नमी का संरक्षण करना और क्षेत्र की दृश्य सौंदर्य में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है, सोइल लेस कल्चर्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की एक ऐसी विधि है जिसमें मृदा यानी कि सोइल की आवश्यकता नहीं होती है, बिना जमीन के इसमें पौधे उगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक एंजाइम का अमीनो अम्ल वाला भाग कहलाता है, द अमीनो एसिड पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा ए, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम एक निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव एंजाइम होता है जो कि कार्बनिक या अकार्बनिक कोफैक्टर से जुड़कर सक्रिय एंजाइम बनाता है। किसी एंजाइम का प्रोटीन यानी कि प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम कहलाता है। चूंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन का एक घटक होता है इसलिए विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्टोमेटिव नियमन में धातु आयन प्रयुक्त होता है, द मेटल आयन इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल रेगुलेशन इज, तो इसका आंसर होगा डी, पोटेशियम। गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड, मेलेट आयन तथा हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं और मेलेट आयन पोटेशियम आयन से क्रिया करके पोटेशियम मेलेट बनाता है जिससे गार्ड कोशिकाओं का प्रसरण दाब बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और अंततः अंत्य प्रसरण एंडोमोसिस क्रिया होती है और रंध्र स्टोमेटा खुल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में जल विभव का नियंत्रण करता है, विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स, तो इसका आंसर होगा सी, पोटेशियम। पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में जल विभव का नियंत्रण करता है और प्रकाश की उपस्थिति में रक्षक कोशिकाओं में मैलिक अम्ल उत्पन्न होता है जिसका मिलेट और प्रोटोन यानी कि एच प्लस में वियोजन हो जाता है, एच प्लस बाहर निकलते हैं तथा के प्लस अंदर आ जाते हैं। के प्लस मीन्स पोटेशियम अंदर आ जाता है, के प्लस मेलेट से क्रिया करके पोटेशियम मेलेट का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 17, MN की कमी से उत्पन्न पादप रोग है, ये प्लांट डिसीज ड्यू टू MN डेफिशिएंसी इज, तो इसका आंसर होगा बी, मार्स स्पॉट ऑफ पीस, मटर का मार्स रोग। लेग्यूम पौधों में MN यानी कि मैग्नीज की कमी से बीज पत्रों कोटिलोडोन्स में भूरे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं जिसे मटर का मार्स स्पॉट रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पादप रोग परजीवी द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट डिसीज इज नॉट ए नॉन पैरासाइटिक डिसीज, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जौ का ग्रे स्पॉट्स रोग, ग्रे स्पॉट्स ऑफ ओट्स। आम के पौधों में आम के शीर्ष भाग पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसे मैंगोक्रोसिस कहते हैं और यह रोग स्यूडोमोनास सिरिंजी नामक जीवाणु अर्थात परजीवी की वजह से होता है। बैंगन का लिटिल लीफ रोग माइकोप्लाज्मा सदस्य सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है, जिंक की कमी से, जबकि मैग्नीज की कमी से जौ का ग्रे स्पॉट्स रोग होता है। मीन्स ये दोनों ही रोग धान का खैरा रोग
और जौ का ग्रे स्पॉट रोग, ये दोनों ही परजीवी द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, दोनों ही एक एलिमेंट्स की कमी से होने वाले रोग हैं। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ नहीं है। तो ये दोनों ही रोग आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ही पैरासाइट से नहीं उत्पन्न होते। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय हो जाता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन? तो इसका आंसर होगा बी, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है और मोलिब्डेनम इस एंजाइम का एक घटक होता है, परंतु यह एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पादप वृद्धि पर अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को सर्वप्रथम दर्शाया था। द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाय? तो इसका आंसर होगा डी, नोप। नोप ने सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम पौधों को कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जल तथा खनिज की उपस्थिति में उगाया था तथा अकार्बनिक लवणों के प्रभाव को दर्शाया था। डी सस्योर ने सर्वप्रथम यह बताया कि पौधे मृदा से भूमि से खनिज को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कॉपर की कमी प्रतिनिधित्व करती है कॉपर डेफिशिएंसी लीड्स टू? तो इसका आंसर होगा ए, एक्जेंथमा का। पौधे की उचित विकास और वृद्धि के लिए कॉपर एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है और यह पौधे की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। नींबू में कॉपर की कमी से एक्जेंथमा रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे डायबैक भी कहते हैं, जिसमें फल के केंद्रीय भाग में गोंद जैसा पदार्थ स्त्रावित होता है तथा फल के छिलके पर गोंद सदस्य पदार्थ दिखाई देता है। काउली फ्लावर यानी कि फूल गोभी का विप्टील रोग मोल्डिब्डेनम तत्व की कमी के कारण होता है और छोटी पत्ती अवस्था का रोग जिंक की कमी से होता है, जबकि इंटरवेनल क्लोरोसिस मैग्नीशियम मैग्नीज तथा मोल्डिब्डेनम आदि की कमी से हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।